हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चल ज्ञान क्रीड़ा में। तो आज की जो वीडियो है उसमें स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है और ये स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में से इन्हीं दो एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में आ जाता है और आपके से मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत ही इजी चीज है, कुछ बात का आपको ध्यान रखना है तो पूरा का पूरा चैप्टर बड़े आसान से कर सकते हो। ठीक है, आज में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। 11.1 जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो यहाँ पर जो भी काम की चीज हमें, हाउ टू डिवाइड अ लेंथ सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो, हाउ टू ड्रॉ सिमिलर ट्रायंगल्स इन एंड आउट, ये दोनों चीजें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। वीडियो का एंड तक देखना है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी वैसे इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगी। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे हम लेंगे पहला जो टॉपिक हमारे पास वो होगा टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। किसी भी दी गए हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसको एक फिक्स रेशियो में कैसे डिवाइड करें, ठीक है, वो हम सीखेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन 3:2। हमें एक लाइन सेगमेंट जो है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है, इसको 3:2 पे हमें डिवाइड करके दिखाना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें बोला गया है एक लाइन सेगमेंट बनानी है 10 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट बनाएंगे 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो फटाफट से बना लेते हैं हम लोग। तो ये बनाए हमने एक लाइन सेगमेंट जो कि है 10 सेंटीमीटर का। मैं यहाँ पर पेन का इस्तेमाल करो ताकि आप लोग अच्छे से दिखे, लेकिन आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी, और ए भी कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी एक्यूट एंगल बनाना है ए को वर्टेक्स मान के। तो हमने ए को, ए पॉइंट से हमने कोई सा भी एक्यूट एंगल हम लोग बना सकते हैं, आपकी मर्जी। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो कि 90 से छोटा हो, तो आप ये बना सकते हो, ये कोई सा भी बना सकते हो। तो मान के चलो मैंने ये वाला एक्यूट एंगल मैंने बना लिया। ठीक है, मैं कोई वाला अच्छा लगा मैंने ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हमें यहां पर बोला गया है इसको डिवाइड करना है 3:2 पे। कितने में डिवाइड करना है, 3:2। ये मान लेते हैं एम है और ये एन है। तो आपने क्या करना है, इस पे आपने आर्क मारने हैं, और वो कितने आर्क मारने हैं, 3:2, मतलब 3+2 इज इक्वल टू कितना, 5। आपने टोटल जो है वो 5 आर्क आपने मारने हैं, जितने भी रेशियो होंगे उसको हम ऐड कर लेंगे, और हमें टोटल कितने आर्क मारने हैं, पर 5 आर्क मारने हैं। तो आप क्या करोगे, कंपास को अपने हिसाब से ओपन कर सकते हो, कितना भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, हमने बराबर 5 आर्क मारने हैं इस लाइन के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास पहला आर्क, ठीक है, और फिर इसी पे रख के दूसरा आर्क, और फिर इसके रख के तीसरा आर्क, फिर इस पे रख के हमारा ये चौथा आर्क हो गया, और इस पे रख के हो गया पांचवा आर्क। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने 5 आर्क बना लिए। अच्छा, ये जो आर्क जो है वो एक ही फैमिली में चलते आ रहे हैं, तो इसे नाम हम देंगे ए हो गए, तो A1 नाम देंगे, इसे नाम देंगे A2, इसे नाम देंगे A3, ये जगह हमारे पास A4, और ये जगह हमारे पास A5। क्लियर है, ये नाम हो गए। और उसके बाद क्या करना है, आपने जो लास्ट वाला जो है A5 जो है उसको आप बी को ज्वाइन कर दोगे, उसको बिना सोच समझे किसे ज्वाइन कर दोगे, बी से ज्वाइन कर दोगे। तो ये हमने कर दिया फटाफट से उसको ज्वाइन इस तरह से। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद क्या करना होगा, ज्वाइन करने के बाद ये करना है हमने कि पहला क्या है, 3 है ना, 3 से A3 से जो है हम लोग इसके जैसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां से करेंगे, A3, जो भी हमारा पैरेलल नंबर होगा, चाहे 3 हो चाहे कोई सा नंबर हो, वहां से हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे इसके। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, A5 B के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, कहां से, A3 से। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, ये ध्यान सुनना। आपने क्या करना है, कंपास को कितना भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, और पहले आपने A5 से ड्रॉ करना है इसके जैसा। तो वहां पर ना कोई सा भी एक आर्क मान लेना, इस तरह से हमने कोई सा भी एक आर्क मान लेंगे, ये मान लिया। ठीक है, इसको बिना हिलाए, जहां से मेरे को आर्क ड्रॉ करना है, कहां से करना है, A3 से करना है, वहां से इसको बिना हिलाए मैं सेम जो है इस तरह से आर्क यहां पर मारूंगा। क्लियर है, उससे क्या करना है, आपने पहले वाले इसकी जो है इसको लेंथ को नाप लेना है। यहां पर कंपास रखा मैंने और इसकी लेंथ को नाप लूंगा यहां से यहां तक, ये लेंथ को मैंने इसके नाप लिया। अब जितनी भी लेंथ है उसको आपने यहां रख के इस तरह से कट मार देना है। क्लियर, उसके बाद हमारा काम यहां पर हो गया, आपने इसको जोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइंस को, याद रहेगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से जो है हमारे पास पैरेलल ड्रॉ हो गई। क्लियर है, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग सी। ठीक है, तो हमारे पास AC रेशियो BC जो है वो 3:2 निकल के आ जाएगा। बस हमें इतना ही काम यहां पर करना होता है। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे स्कूल में इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है। अब ये जस्टिफिकेशन वाला हम लोग देख कैसे, तो जस्टिफिकेशन जो है वो हम देते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत ही सिंपल इसका जस्टिफिकेशन देखिए आप। तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ए बड़े ट्रायंगल, देखिए ए बी ए फाइव, ये हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है। इस बड़े ट्रायंगल पे इसके जो है पैरेलल है ये,
ठीक है, हम देख सकते हैं कि A3C जो है वो पैरल है A5B के। तो बेसिक हमें BPT क्या बोलता है, किसी बड़े ट्रायंगल पे अगर दो साइड मतलब एक लाइन जो है पैरल है किसी साइड के, तो वो उसको फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो BPT क्या बोलता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू BPT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BPT क्या बोला हमें कि A3 अपॉन पे A3 A5 जो है वो बराबर होगा AC अपॉन पे BC के। दिस अपॉन पे दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन पे दिस, ये हमें बोलता है BPT कब, जब किसी भी ट्राइंगल पे ठीक है किसी पॉइंट से हम लोग एक लाइन ऐसे खींचे जो कि तीसरे साइड के पैरेलल होके जा रही है, तो फिक्स रेशियो में जो है इसको डिवाइड करता है। तो ए अपॉन पे A3, A3 अपॉन पे A3 A5 इज इक्वल टू AC अपॉन पे BC, ये होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो हमें ये पता चल के दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये टोटल कितना, हमारे पास 5, ये कितना है 3 और ये कितना है 2। इसका मतलब A3 अपॉन पे A3 A5 जो है हमारे पास वो है 3 अपॉन पे 2, कुछ भी हो 3:2 है, तो ये बराबर आ जाता है 3:2 के। तो AC अपॉन पे BC भी जो है वो 3:2 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग अपनी जस्टिफिकेशन को यहां पर दे सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं 11.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8, मेजर द टू पार्ट, दोनों पार्ट्स को हमें मेजर करके भी बताना होगा। ठीक है, तो सबसे हमने क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है जैसे कि हमने अभी सीखा था। तो फटाफट से 7.6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं जल्दी से। तो ये हुआ 0 से स्टार्ट किया और 7.5 और ये 6, ठीक है। तो 7.6 की हमने एक लाइन खींच दी, इसको नाम देंगे सुंदर सा ए और बी। तो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और जो ए बी कितना है 7.6 सेंटीमीटर का हमारे पास है, 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। उसका हमने क्या करना है, ए से एक्यूट एंगल खींचना है, आपको पता ही है ए से क्या करना है, अपने एक्यूट एंगल को खींचना है। तो फटाफट से एक्यूट एंगल खींच देते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने एक्यूट एंगल खींच दिया, ये इस तरह से। क्लियर है, हमने एक्यूट एंगल खींच दिया। और हमें इसे किस रेशियो डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 5:8 में। अच्छा, 5:8 का मतलब ये हुआ हमें टोटल कितने आर्क मारने हैं, 5 + 8 इज इक्वल टू हमें 13 जो है इक्वल आर्क हमें यहाँ पर मारने होंगे। ठीक है, तो 13 आर्क, तो हम क्या करेंगे कंपास को अपने हिसाब से बना लेंगे और 13 हमने आर्क मारना, तो इतना छोटा करना ताकि 13 आर्क इस पर लग जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट आर्क, ठीक है, और ये हमारे पास सेकेंड आर्क हो गया और ये थर्ड हो गया। ओ भाई साहब, थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, यार ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, और ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ, ये हो गया सेवन, ये हो गया एट, ये हो गया हमारे पास नाइन, ये हो गया 10, 11, 12 और ये हो गया हमारे पास 13। तो 13 आर्क्स हमने यहाँ पर मार दिए। अब इसका नामकरण कर देंगे, एक ही फैमिली में है सबको नाम देंगे बढ़िया सा। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5, ये A6 हो गया, ये A7, ऐसी A8, A9, A10, A11, A12 और ये हो गया A13। तो हमने सबको सुंदर सुंदर नाम से हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट वाले को जो है हमने फटाफट से बिना सोच समझे जोड़ देना है। लास्ट वाले को A13 को हम लोग B से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमने इस तरह जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपने क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, A5 से इसके जैसा एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। सिंपल है, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, आपने कंपास को अपने हिसाब से कितना भी खोल सकते हो, मान लो हमने इतना खोल दिया, उसे यहां रख के आपने क्या करना है, एक सुंदर सा यहां पर आर्क मारना है। ये लो हमने आर्क मार दिया और उसी आर्क को बिना कंपास को उठाए A5 से भी हमने इस तरह से मार देना है। क्लियर है, उसके बाद इसकी जो है हमने लेंथ को नापना है, तो यहां से लेकर यहां तक सही से नापना। ठीक है, ये इतना हो गया। अब फिर उसके बाद हमने बिना इसको हिलाए यहां से उतने का ही हमने यहां पर आर्क मार देना, ये मार दिया। क्लियर है, उसके बाद फिर हमने यहां पर इसको जोड़ देना, सिंपल। तो ये हो गया इस तरह से, जोड़ दिया हमने इस तरह से। क्लियर है, इसको नाम दे देंगे हम लोग C। ठीक है, तो हम देख सकते हैं AC जो है
और AC रेशियो BC जो है हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास 5:8 निकल के आ जाएगा। और जस्टिफिकेशन में आपको बता नहीं रहा, जस्टिफिकेशन आप खुद से कर सकते हो। ये बड़े ट्राइंगल पे ये जो है इसके हमारे पास क्या पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अपने आप हो जाएगा। बीपीडी थ्योरम यही बताता है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सेकेंड जो हमारे पास वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। हमारे पास एक गिवन ट्राइंगल होगा और उस ट्राइंगल के सिमिलर हमें एक और ट्राइंगल को बनाना होगा। ये हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। और एक बार ध्यान रखना, जो ट्राइंगल हमें बनाना है, जो ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, वो गिवन ट्राइंगल से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्केल फैक्टर के ऊपर, ठीक है। अब ये स्केल फैक्टर भला होता क्या है, स्केल फैक्टर जो है वो रेशियो होता है, जो साइड जो ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका साइड का रेशियो किससे, जो ट्राइंगल हमें गिवन है उसके साइड के रेशियो के जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो क्या डेफिनेशन हुई, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड, जो बनाना है, विद द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल, जो गिवन ट्राइंगल है उसका, ठीक है। तो दोनों के साइड का रेशियो जो होता है वो स्केल फैक्टर कहलाता है, और स्केल फैक्टर ही हमें बताता है कि जो ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना है वो गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो दो केस बनते हैं हमारे पास, बड़ा या फिर छोटा। तो पहला जो केस है वो लेते हैं कि वेन, देखो रेशियो पर डिपेंड करता है, तो मान लेते हैं रेशियो जो है एम अपॉन पे एन है, तो दो केस होता है, या तो एम बड़ा होगा एन से, ठीक है, या फिर n जो है वो बड़ा होगा m से। दो केस है, या तो m बड़ा होगा n से या फिर n बड़ा होगा m से, यही दो केस हमारे पास है। यही डिपेंड कर से स्केल फैक्टर बोलते हैं, और यही बताता है कि हमें जो कंस्ट्रक्ट करना जो ट्राइंगल वो गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग से समझते हैं क्वेश्चन को लेके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हू साइड्स आर 2/3 करस्पॉन्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। मतलब यहाँ पे जो स्केल जो फैक्टर है वो 2/3 है, और 2 क्या है हमारे पास, जो साइड बनानी है, जो ट्राइंगल बनाना उसकी साइड है, और 3 क्या है, जो गिवन है। इसका मतलब हमारे पास n जो है, m अपॉन n होता है, n जो है वो बड़ा है यहाँ पर। तो जब n बड़ा होता है m से, तो आप याद रखो जब n बड़ा होगा m से तो जो गिवन ट्राइंगल जो है उससे छोटा बनता है कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल कैसा बनेगा, हम जो बनाएंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो बनेगा गिवन ट्राइंगल से छोटा बनेगा, ये आपने ध्यान रखा, कब, जब जब n बड़ा होगा m से, ठीक है। तो यहां पर यही केस है, जो हमारा नीचे वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है ऊपर वाले वैल्यू से, तो छोटा बनेगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपने गिवन ट्राइंगल को बनाना है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के साइड को लेके, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन को फटाफट से खींच लेता हूँ। तो ये खींचा मैंने एक सुंदर सी 5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने बी और सी नाम दे दिया, क्लियर। उसके यहां पर हमें बोला गया कि दूसरा क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 4 सेंटीमीटर की फटाफट से यहां से आर्क मारता हूं, ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहां रख के हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो यहां रख के मैंने 4 सेंटीमीटर यहां से ऐसे करके आर्क मार दिया। बिल्कुल ध्यान से करना आपने, मैं यहाँ पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो आर्क को कितने का लगेगा, वो लगेगा 6 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से लेके 6 सेंटीमीटर का जो आर्क है वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर कट करेगा उसे नाम दे देंगे, हमने नाम दे दिया ए नाम दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे सिंपल इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, स्कोरिंग है, इसमें बच्चों के बिल्कुल मार्क्स नहीं कटते, ये हमने जोड़ दिया इस तरह से, क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो स्केल जो फैक्टर दे रखा है, स्केल फैक्टर हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2/3, है ना, जो कि m अपॉन n के बराबर होता है। तो n जो है यहाँ पर बड़ा है m से, ये केस वन मैंने आपको बताया था, केस वन का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन द गिवन ट्राइंगल होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी सीखा था लाइन पे कोई सा भी एक आपने एक्यूट एंगल को बनाना है, जैसे हम करते आए हैं, तो एक्यूट एंगल बना दिया, आपकी मर्जी है इस तरह से। अब इन दोनों पे n और m में जो भी बड़ा है, ठीक है, उतने ही हमने इक्वल आर्क्स मारने, कौन सा बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो हमने 3 इक्वल आर्क्स हमने यहाँ पर मारने हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला आर्क, और ये हो गया सुंदर सा दूसरा आर्क, और ये हो गया हमारे पास तीसरा आर्क। तो हमने 3 आर्क मार देने, किसकी फैमिली में, बी की फैमिली, तो ये हो जाएगा B1, ये जाएगा हमारे पास B2 और ये जाएगा B3, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जब हमारे पास नीचे वाली चीज, मैंने क्या कहा, नीचे देखो ये क्या हमारे पास, ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है गिवन ट्राइंगल की साइड। तो गिवन ट्राइंगल की साइड जो है वो बड़ी है जो ट्राइंगल बनने वाला है, इसका मतलब जो छोटा होगा,
जो कंस्ट्रक्ट होने वाला ट्रायंगल वो क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होने का मतलब ये है इससे छोटा होगा, मतलब इसके अंदर आएगा। अब ध्यान सुन, अगर मेरे को अंदर आना है तो पहले मैं कहाँ आऊंगा, बाहर आऊंगा। टू और थ्री मेरे पास दो नंबर है, टू और थ्री मेरे पास दो नंबर है, तो बाहर कौन होगा, थ्री होगा। तो पहले हम थ्री वाले को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले थ्री वाले को हमने फटाफट से यहाँ पर जोड़ दिया, तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया थ्री वाले को, ठीक है। अब मेरे को थ्री से कहाँ जाना है, मेरे को टू अंदर चला जाना है, तो थ्री से मैं टू पे पहुंचना, बस का मतलब मैं टू से बी टू से एक लाइन खींचूंगा जो कि पैरल होगी बी थ्री सी के, ठीक है। तो पैरल कैसे ड्रॉ करते हैं आपको आता ही है, अपने में से कोई सा हम यहाँ पर आर्क मार सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर ये आर्क मार दिया इस तरह से, और सेम मेरे को बी टू से ये काम करना है, ठीक है। और पहले वाले आर्क की मेरे को लेंथ को नाप लेना है, तो पहले वाले आर्क की जो लेंथ है वो नाप ली मैंने, इतनी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर रख के मैंने इसको आर्क मार देना इस तरह से, ठीक है। और फिर हमने ये पहले इनको ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट रहेगा, और इस तरह से हम लोग ये ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है। तो हमने इसको नाम दे देंगे, जैसे ये टकराया इसको नाम दे देंगे हम लोग सी डैश, क्या देंगे, सी डैश देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने सी डैश से हमने एक और पैरल लाइन खींचनी है इसके, ठीक है। तो इसके पैरल लाइन खींचनी है, फिर से वाला काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोई सी भी एक आर्क यहाँ से आर्क मार देंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है, बिना कंपास को हिलाए सेम आर्क मारेंगे यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी लेंथ को नाप लेंगे इस आर्क की, इतना हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ रख के हम लोग इसे आर्क मार देंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया, अब जोड़ देंगे, ये हो गया इस तरह से, ये खींचिए इसके पैरेलल। अब ये ए है तो इसे बोल देंगे ए डैश। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए डैश बी और सी डैश, ये जो ट्राइंगल निकल के आया है ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल है, और गिवन ट्राइंगल कौन सा था, ए बी सी था। आपने यहाँ पर कभी का पेपर में क्या आता है, आपने सुना होगा काफी स्कूल में जस्टिफिकेशन देना होता है, जस्टिफिकेशन देना होता है। अब ये कैसे देंगे, तो हमें सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से जस्टिफिकेशन देंगे यहाँ पर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे। दोनों ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो दोनों में आ रहा है। हम बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों में आ रहा है तो क्या बोलते हैं उसे, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ए डैश सी डैश इज पैरेलल टू ए सी, ए डैश सी डैश ए सी के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी ए डैश सी डैश, बी ए डैश सी डैश बराबर होगा एंगल बी ए सी के, क्यों, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सिमिलरली एंगल बी सी डैश ए डैश इज इक्वल टू होगा एंगल बी सी ए, है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई यूजिंग एंगल 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 ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है इनका, इसका मतलब क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हम क्या आ सकते हैं यहाँ से, कि ए डैश बी अपॉन पे ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश अपॉन पे बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पे बी सी इज इक्वल टू टू अपॉन पे थ्री। तो आप ये सब इतना लिख के दोगे जस्टिफिकेशन में, क्लियर है। नाउ अब हम लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर थ्री, आप एनसीईआरटी का, ठीक है, सेकंड टाइप का। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनादर ट्राइंगल जो कि सिमिलर हो उसके, हुज साइड्स आर स्केल फैक्टर दे रखा है 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं यहां पर 7/5 है, 7 मतलब कि हमारे पास कंस्ट्रक्टेड जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो उस वाले ट्राइंगल की साइड है, और नीचे वाला 5 क्या हमारे पास जो गिवन है। तो हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट जो करना है वो बड़ा है नीचे वाले से, इसका मतलब हमारे पास जो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल होगा वो गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब वही काम करना है, तो हम पहले गिवन ट्राइंगल बनाते हैं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे कोई सी साइड लेके गिवन ट्राइंगल बना सकते हो, तो मैं 7 सेंटीमीटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी कौन साइड है, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की है, तो बना लेते हैं फटाफट से, 5 को नाप लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ रख के ये, ठीक है, 5, तो यहाँ रख के मैंने आर्क मारा कितना, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और वही काम क्या करना है, मैंने 6 सेंटीमीटर के साथ भी करना है। तो यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर का आर्क ये ले लिया, तो यहाँ रख के अगर हम आर्क लेंगे तो ये वाला आर्क लगेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, क्लियर। नाउ फिर हम उसको जोड़ देंगे इससे,
ये जोड़ हमने इसको इससे, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे इस वाले भाई साहब से, ठीक है। तो इस नाम देते से इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया सी। तो यहाँ पर जो स्केल फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, स्केल फैक्टर हमारे पास यहाँ पर दे रखा है हम लोग को 7/5 दे रखा है। तो ये एम है हमारे पास और ये एन है, ठीक है। उसके क्या करना होता है, उसका हमें एक एक्यूट एंगल को खींचना होता है। तो हम एक एक्यूट एंगल खींचेंगे इस तरह से, ये खींच दिया मैंने एक्यूट एंगल, क्लियर है। और कितने आर्क मारने हैं, इन दोनों बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उतने आर्क मारो, हमें 7 इक्वल आर्क मारने होंगे। तो मैं छोटे छोटे आर्क मारूंगा ताकि 7 लग जाए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बड़े लग सकते हो। तो ये हमारा पहला आर्क, ये हो गया हमारे पास दूसरा आर्क, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा, और ये आखिरी सातवा, ठीक है। तो अब ये बी की फैमिली में आ रहा है, तो इसे नाम देंगे B1, B2, B3, ओ B3, B4, B5, B6, B7, क्लियर है तक, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब मेरे को 7/5 बनाना है। इसका मतलब मेरे को ये पता चल चुका है यहाँ से कि जो ट्रायंगल हमारे पास बनने वाला है वो इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा मतलब मेरे को बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे को बाहर जाना है, इसका मतलब पहले मैं कहाँ हूँगा, पहले मैं रहूंगा अंदर। तो 5 और 7 में अंदर वाला काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। तो पहले मैं 5 को यहाँ पर जोड़ दूंगा। देखो बात क्लियर हो गई, पिछले वाले में उल्टा था, बाहर से अंदर आना था, पहले बाहर वाले को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर पहले मैं जोड़ूंगा अंदर वाले को। क्यों? क्योंकि मेरे को बाहर की तरफ जाना है, तो मैं अंदर वाले को यहाँ पर जोड़ दूंगा इस तरह से। कर लोगे इतना काम, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा, अब साइड्स को आप लोग क्या करोगे, बढ़ा दोगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाहर बनने वाला है। तो आप ये साइड्स को बढ़ा दोगे और यहां से भी इस साइड को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा दोगे, ठीक है, इस तरह से, क्लियर यहां तक, ठीक है। उसे आपने क्या करना है, इसके अब आपने 5 जोड़ दिया, कहां जाना आपको, 7 को। तो 7 से आपने क्या करना है, पैरेलल लाइन खींचनी है इसके। तो हमें तो आता है पैरेलल खींचना, बहुत मजा से आता है। तुम क्या करेंगे, कोई सी यहां से इस तरह से पहले आप आर्क मार लोगे, ऐसे आपने आर्क मार लिया, ठीक है। और सेम काम आप करोगे 7 से, तो ये आपने कर लिया सेम काम 7 से, ठीक है। उसके क्या करोगे, आप इस की लेंथ को नापोगे इतना, और फिर यहाँ रख के आर्क मार दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वो पॉइंट, अब खींचो पहले सिंपल, तो इस तरह से खींच दिया, बहुत ही सिंपल है, ये हो गया इस तरह से, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, सेम वही काम, यहां से हमने पैरेलल लाइन खींचनी है इसके। यहां से खींच देते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, मान ले। तो यहां रख के हमने कोई एक आर्क मारना है इस तरह से, सेम आर्क हमने यहां रख के मारना है इस तरह से, ठीक है। इस वाले की लेंथ को नाप लेना है और फिर यहां रख के हमने आर्क को मार देना है, क्लियर। उसके बाद उसको जोड़ देंगे, बाहर चला गया थोड़ा सा, ये हमने इसको इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सी डैश हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा दिख रही है, मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ इसको, ओ ओ ये, ठीक है, यहाँ कट रहा है। ये हो गया हमारे पास ए डैश, क्लियर है। ये ए डैश हो गया, सी डैश हो गया, और इस तरह से हमारा सारा काम हो गया। जस्टिफिकेशन में क्या है, वही काम आप करोगे, ट्राइंगल ए बी सी को ए डैश बी सी डैश के क्या दिखाओगे, सिमिलर दिखाओगे, तो अपना काम वहां से बन जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो दो तरह के होते हैं, पहले गिवन ट्राइंगल है, ठीक है, गिवन ट्राइंगल के जो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। बड़े वाले भी करके देख लिया हमने, छोटा वाले करके देख लिया। अब वीडियो को पीछे जाकर एक बार फिर से देखो, छोटे वाले बड़े वाले क्या डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है। बड़े वाले आपने ये ध्यान रखना है, हम पहले अंदर होंगे फिर बाहर जाएंगे, तो पहले छोटे वाले को जोड़ोगे उसके पैरेलल बनाओगे बड़े वाले से। उसमें क्या होता है, पहले बाहर वाले को जोड़ोगे उसके बाद अंदर आकर पैरेलल बनाओगे, ताकि क्योंकि अंदर बनना है, छोटा बनना कंस्ट्रक्ट है इसलिए। तो ये दो चीजें होती हैं, आपने ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग लेके आएंगे एक्सरसाइज 11.1, फिर हम लोग उसकी अगली वीडियो होगी 11.2 के ऊपर होगी, और यहाँ पर हमारा 11 चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, लाइन को हमने कैसे डिवाइड करना वो सीखा, और हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, उसमें दो केस होते हैं, पहला केस, दूसरा केस, जिसमें गिवन ट्राइंगल से बड़ा हो और गिवन ट्राइंगल छोटा हो, दो ट्राइंगल हमारे पास देखे हमने। आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6 11.1, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्ण।